Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये एक मिनट एक और गाड़ी का बता रहे हैं जो उससे पहले गाड़ी आई थी वो किस रंग की थी और क्या थी वो गाड़ी? वो सर ब्लैक रंग की थी, उनको मैंने रोके वो न दस ही अंदर चले आए, मैंने गेट रोके वो अगर सरकारी नंबर प्लेट थी जी सर। आपने गाड़ी को रोका जी? वो आगे निकला सर, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी जी, नहीं वो सीधा अंदर चले गए जी सीधा। कितनी देर के बाद बाहर निकले वो? 5-10 मिनट के बाद सर निकल गए, 5 से 10 मिनट के बाद जी। वो भी सरकारी नंबर प्लेट थी जी सर। वो कितनी देर पहले आए थे पहले वाली दूसरी गाड़ी? वो 10 मिनट पहले आए, 10-15 मिनट पहले जी। थैंक यू। अभी मेरे पास आई हुई थी ARY की DSNG अरशद शरीफ साहब ने मुझे भिजवाई थी, उनके साथ एक प्रोग्राम था वो मुझे करना था, काशिफ अब्बासी थे जी। मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने। अच्छा, उस बीच में ना 10 से 10:15 के दरमियान पुलिस की एक गाड़ी मेरे घर के बाहर आ गई। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ सिर्फ मेरा घर है और आसपास किसी का घर नहीं है, ये पूरी सोसाइटी खाली है और सिर्फ 2-4 घर और है वो दूसरी तरफ है। पुलिस की गाड़ी जब इधर आई तो मेरी सिक्योरिटी वालों ने जाके उनको पूछा कि आप किधर आ रहे हैं, किससे आपको मिलना है। उन्होंने कहा जी हमें ये बताएं कि इस सोसाइटी से और कौन कौन से रास्ते बाहर निकलते हैं, हम रास्ता भूल गए। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने बताया जी इसका एक ही रास्ता है और वो जहां से आप अंदर आए, और कोई और रास्ता यहां से नहीं निकलता, आप वहीं से वापस जाएंगे। तो वो पुलिस वाले शुक्रिया अदा करके बातचीत करके जायजा लेके वापस मुड़ गए। अच्छा, फौरी तौर पर मेरा सिक्योरिटी वाला जो है वो समझदार आदमी, उनमें से एक बंदा दरवाजे पे गया और सोसाइटी के गार्ड से मिला और उन्हें जाकर पूछा कि ये पुलिस वाले आए थे, आपसे इन्होंने क्या बात की, क्योंकि वो हर एक से बात करके फिर दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने जो सोसाइटी के गार्ड्स हैं उन्होंने ये बताया कि इन्होंने दरवाजे पे आते ही पूछा है कि इमरान रियाज खान का घर कहाँ पे है। उन्होंने कहा हमने हाथ के इशारे से इनको बताया कि वो वाला घर है, वहां से जाके आप मुड़ेंगे तो सामने उनका घर आ जाएगा। तो दरवाजे पे उन्होंने मेरा नाम पूछा था और मेरे दरवाजे पे आकर वो मुकर गए और उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ रास्ता भूल गए। अच्छा, इससे पहले अभी मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा हूँ उसका, मुझे उम्मीद है कि मेरे घर वाली फुटेज में वो आ जाएंगे, वो मैं शेयर भी कर दूंगा सोशल मीडिया पे। इसके अलावा 9:45 के करीब, क्योंकि वहां जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बैठता है वो, उसने आकर मुझे बताया कि जी 9:45 के करीब एक और सरकारी डबल केबन डाला आया था जिसने आपके घर के 2 चक्कर लगाए और इस पूरी सोसाइटी का जायजा लेकर गया है। तो मैंने सिर्फ ये चीज रिकॉर्ड पे लानी है कि ये इस तरह की एक्टिविटी है, अगर कोई कानूनी कागज लेकर आएगा और मुझे शो करेगा तो मैं उसको अपने घर में वेलकम भी करूंगा, और अगर कोई अरेस्ट करने के लिए आएगा तो मैं फिर उसके साथ चला जी। हम इमरान भाई, अगर थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको लीड्स देना चाह रहा हूँ, अगर आप समझे तो मैं कुछ चीजें आपको, मेरे साथ भी चीजें हो रही होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अगर कहें तो इस पे कुछ अपनी पॉइंट वो रख सकूं। एक मिनट नवीद भाई, थोड़ा सा जी जी जी। इमरान भाई आप सुन पा रहे हैं? सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।